शारीरिक शिक्षा का इतिहास। आज हम शारीरिक शिक्षा के इतिहास के बारे में बात करेंगे और उनमें हम यूनान के इतिहास के बारे में। तो शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा के दृष्टिकोण से पुरातन जो यूनानी थे उन यूनानियों ने इतिहास को चार भागों में विभक्त किया है, जो है होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल, उत्तर एथेंस काल। तो चलिए हम जानते हैं होमर काल के बारे में। दोस्तों, होमर काल के लोगों का मुख्य पेशा जो था वो कृषि व पशुपालन था। होमर काल में एक महान कवि हुआ करते थे जिनका नाम होमर था और इन्हीं के नाम पर इस काल का भी नाम होमर पड़ा। होमर जो थे वो नेत्रहीन कवि थे और इन्होंने दो महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी की रचना की और इनके इन दोनों महाकाव्य की तुलना वेद व्यास के वेदों से की जाती है और लोग इन्हें अपने देश का गुरु यानी एजुकेटर ऑफ ग्रीस यानी इन्हें ग्रीस का गुरु भी कहा जाता है, माना जाता था। और इनका मुख्य धर्म था मनुष्यों प्राकृतिक सौंदर्य, यानी मनुष्यों प्राकृतिक सौंदर्य को ही अपना मुख्य धर्म मानते थे। और लोगों का मानना था, यानी होमर काल में वहाँ के लोगों का मानना था कि देवता ही उनके भाग्य का फैसला करते हैं, यानी वे खुद अपने भाग्य का फैसला नहीं करते हैं, देवता ही उनके भाग्य का फैसला करते हैं, यानी कि वो भाग्यवादी थे। होमर ने अपनी कविताओं में तीरंदाजी, मल्लयुद्ध, रथ दौड़, भाला प्रक्षेपण तथा आदि सारी क्रियाओं का वर्णन किया। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि होमर काल में किन खेल क्रियाओं का वर्णन हुआ है, तो आप उत्तर देंगे तीरंदाजी, मल्लयुद्ध, रथ दौड़, भाला प्रक्षेपण आदि। दोस्तों, लास्ट में है शिक्षा का मुख्य लक्ष्य, यानी एक वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हर फिजिकल एजुकेशन कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि होमर काल में शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो मैन ऑफ एक्शन तथा मैन ऑफ विजडम। तो चलिए, हमने बात की होमर काल की, तो अब चलिए जानते हैं स्पार्टा काल के बारे में। स्पार्टा काल, स्पार्टा काल को क्लासिकल एज भी कहा जाता है। स्पार्टा काल में नगर व राज्यों का उदय हुआ, यानी इससे पहले जो होमर काल था उसमें लोगों का मुख्य पेशा कृषि व पशुपालन था, लेकिन स्पार्टा काल में नगर और राज्यों का भी उदय हुआ। ठीक, और इस राज्य में स्पार्टा काल में सारी शिक्षा के कार्यक्रम जो थे बहुत ही कठोर हुआ करते थे और यहाँ उस समय सैनिक प्रशिक्षण पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता था। मतलब इनका लक्ष्य, स्पार्टा काल में सैनिक प्रशिक्षण का मुख्य लक्ष्य जो था वो था कि एक अच्छा सैनिक तैयार करना, एक अच्छी फौज तैयार करना। ठीक, और यहाँ का जो शिक्षा प्रणाली था स्पार्टा काल में, जो क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली था, उस शिक्षा प्रणाली को एगाग कहा जाता था। स्पार्टा काल की क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को तो एगाग कहा जाता था, लेकिन जो शिक्षा प्रणाली यानी जो क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली के कर्ता धर्ता थे उनके कर्ता धर्ता को पेडोनोमस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेडोनोमस। और स्पार्टा काल में जो खेल का मैदान होता था उस खेल के मैदान को प्लेटेनिस्टास बोला जाता था। क्या? प्लेटेनिस्टास। अब हम जानेंगे कि स्पार्टा काल में बच्चों व युवा की कार्य करने की आयु क्या है, मतलब 0 से लेकर लास्ट तक हम बताएंगे कि वो मतलब वहाँ के लोगों की कार्य करने की जो आयु थी बच्चों की और युवाओं की वो क्या थी। देखो, 0 से 7 वर्ष तक यानी जन्म से 7 वर्ष तक तो माता के संरक्षण में रहता था। ठीक, और 7 वर्ष के बाद यानी 7 से 12 वर्ष
तक वैदिक में अनुशासन उसको सिखाया जाता था। ठीक, 0 से 7 वर्ष माता के संरक्षण में रहा और 7 से 12 वर्ष वैदिक में अनुशासन प्राप्त किया। फिर 12 से 20 वर्ष क्या हुआ, 12 से 20 वर्ष तक उसको कठोर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। अब 20 से 30 वर्ष कठोर सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया 12 से 20 वर्ष, उसके बाद 20 से 30 वर्ष अस्त्र शस्त्र चलाना सीखता था। अब 20 से 30 वर्ष अस्त्र चलाना सीख गया तो क्या होगा, 30 के बाद शादी करने की अनुमति मिलती थी। और फिर 60 वर्ष तक, जब तक उसकी उम्र 60 वर्ष तक न हो जाती तब तक उसको देश सेवा करने की अनुमति थी, वो देश सेवा करता था 60 साल तक। ठीक, जिम्नास्टिक नृत्य को यानी स्पार्टा काल में जो जिम्नास्टिक नृत्य होता था उसको बीबासिस नृत्य कहा जाता था। जिम्नास्टिक नृत्य को बीबासिस नृत्य कहा जाता था। और स्पार्टा काल में धार्मिक नृत्य को हारेमस और कैस आर्टिस कहते थे। धार्मिक नृत्य को हारेमस और कैस आर्टिस बोलते थे। और जो सैनिक नृत्य था स्पार्टा काल में, जो सैनिक नृत्य था उसको पापीहिक नृत्य बोला जाता था। कौन सा नृत्य, पापीहिक नृत्य। और स्पार्टा काल में जो यौवन वंशज थे उन यौवन वंशजों को नगर सैनिक बोलते थे। क्या बोलते थे, नगर सैनिक। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्पार्टा काल में कि यहाँ जो भी बच्चा जन्म लेता था उसके जन्म के पश्चात राज्य के जो अधिकारी होते थे उन अधिकारियों से उस बच्चे की स्वास्थ्य की जांच कराया जाता था। यदि उस जांच में वे अस्वस्थ पाए जाते थे तो उसे जीने का अधिकार वो सब छीन लेते थे। यदि वे स्वस्थ हैं तो जीने का अधिकार था उनका, यदि अस्वस्थ पाए गए, अपंग का पाए गए, दुर्बल पाए गए तो उनको मार दिया जाता था। यानी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है कि इसमें स्पार्टा काल में अस्वस्थ, अपंग तथा दुर्बल बच्चों को मार दिया जाता था। यानी अस्वस्थ, अपंग तथा दुर्बल बच्चों को कैसे मारा जाता था, उसको टाइगेट्स नाम का एक पर्वत है उस पर्वत से फेंकवा दिया जाता था। यानी स्पार्टा काल में जो भी बच्चा अगर अस्वस्थ जन्म लिया और वह अपंग है, दुर्बल है शारीरिक रूप से, तो उसको एक टाइगेट्स नामक पर्वत था उसे फेंकवा दिया जाता था। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है हर फिजिकल एजुकेशन एग्जाम में कि स्पार्टा काल में अस्वस्थ, अपंग तथा दुर्बल बच्चे को किस पर्वत से फेंकवा दिया जाता था। तो उसका सही उत्तर होगा टाइगेट्स पर्वत से। स्पार्टा काल में 2 सभाएं हुआ करती थी, वो किसके लिए, राज्य की सहायता के लिए 2 सभाएं हुआ करती थी। उन 2 सभाओं का नाम था, एक का नाम था ब्यूल जो सामंतों की सभा थी और दूसरे का एगोटा जो स्वतंत्र नागरिकों की सभा। एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य, स्पार्टा काल में शिक्षा का जो उद्देश्य था वो था मैन ऑफ एक्शन। जबकि हम पीछे क्या पढ़े थे, जो होमर काल का शिक्षा का उद्देश्य क्या था, मैन ऑफ एक्शन तथा मैन ऑफ विजडम। लेकिन स्पार्टा काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मैन ऑफ
एक्शन। दोस्तों स्पार्टा काल में कुश्ती ज़्यादा प्रचलित थी, यानी इस काल में कुश्ती ज़्यादा खेली जाती थी। और स्पार्टा काल में स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा के समान, यानी स्त्री और पुरुष की शिक्षा में अंतर नहीं किया जाता था स्पार्टा काल में, एक अच्छी बात थी। और यहाँ स्पार्टा काल में 20 वर्ष की आयु तक जो स्त्रियाँ 20 वर्ष की आयु तक खुलेआम शारीरिक प्रक्रिया का प्रदर्शन करती थी, यानी यहाँ की जो स्त्रियाँ थीं स्पार्टा काल में वो अपने 20 वर्ष की आयु तक जो भी शारीरिक प्रक्रिया होता था उसका खुलेआम प्रदर्शन करती थी। और इस काल में नायक पूजन जो होता है, मतलब अपने नायक का जो पूजन होता है, उसकी प्रथा बहुत ही प्रबल रूप से प्रचलित थी। दोस्तों एक बात जानने लायक है अपने ज्ञान के लिए कि सिकंदर महान का जो सैन्य दल था उसमें अधिकांशतः किसके थे, कहाँ के सैनिक थे, स्पार्टा के, इसीलिए वो सुदृढ़ और स्वस्थ सैनिक बल था। तो दोस्तों मैंने आज इस पार्ट में यूनान के इतिहास, यानी यूनान के शारीरिक शिक्षा के इतिहास के चार भागों, होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल, उत्तर एथेंस काल में से होमर काल और स्पार्टा काल के बारे में इस पार्ट में बताई हूँ। और जो अगला दो है, पूर्व एथेंस काल और उत्तर एथेंस काल, इन दो भागों का वर्णन मैं अगले पार्ट में करूंगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।